येशु मां चंद्र घंटा रूपेर संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। पावन नवरात्रा के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्र घंटा के भक्ति करने वालों को शक्ति तथा ओज की प्राप्ति होती है। देवी चंद्र घंटा का अवतार मुख्य रूप से दैत्य और दानवों का विनाश करने के लिए हुआ था। माता चंद्र घंटा का उज्जवल स्वरूप अत्यंत ही शांतिदायक और कल्याणकारक है। इनकी साधना करने से मन में असीम शांति की प्राप्ति होती है। इनकी आराधना से भक्तों में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता आती है। इसीलिए माता के पावन रूप को ध्यान में रखकर इनकी आराधना की जाती है। इन माता रानी के मस्तक पर घंटे के आकार में आधा चंद्रमा सुशोभित है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। माता रानी के शरीर का रंग सोने के समान है और इनकी भक्ति से सभी भक्त जनों के मन को संतोष होता है। माँ चंद्र घंटा का प्रिय वाहन सिंह है और ये अपने 10 हाथों में खड़क, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष इत्यादि लिए हुए हैं। देवी माँ बहुत ही बलशाली शेल पर सवार है तथा इनकी मुद्रा युद्ध पर हमेशा तत्पर रहने के लिए है। प्राचीन समय में देवता और असुरों के बीच महायुद्ध हुआ था। असुरों की कमान बलशाली दैत्य महिषासुर ने संभाल रखी थी। वह लगातार देवताओं पर भारी पड़ने लगा। देवताओं के राजा इंद्र समेत सभी देवताओं को इस क्रूर दैत्य ने स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया और अपना आधिपत्य स्वर्ग लोक में इंद्र के सिंहासन पर स्थापित कर लिया। महिषासुर से आतंकित होकर सभी देवतागण त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। यह सुनकर त्रिदेवों को बहुत ही क्रोध हुआ और इस क्रोध के कारण तीनों के मुख से अत्यंत तेज ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे एक सुंदर देवी का अवतरण हुआ। इन्हीं देवी माँ का नाम चंद्र घंटा पड़ा। भगवान शिव ने माँ चंद्र घंटा को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र भेंट किए। महिषासुर के वध के लिए स्वयं देवराज इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर घंटा दिया। सभी देवी देवताओं ने माता चंद्र घंटा को कुछ शक्तियाँ भेंट की। देवी माँ और दानवों के बीच भयंकर संग्राम हुआ और माँ चंद्र घंटा ने एक ही झटके में महिषासुर का सर धर से अलग कर दिया। इस प्रकार देवी देवताओं की विजय सुनिश्चित हो गई। सभी माता रानी की जय जयकार करने लगे। इसीलिए हम शुद्ध मन से माँ चंद्र घंटा की आराधना करें ताकि हमें हमारे सारे कष्टों से मुक्ति मिले और परमानंद की प्राप्ति हो सके।